एक्सक्यूज मी, लेकिन ये कई घंटों से रो रही थी। ये ग्रुप है नई मदर्स के लिए, आई एम सॉरी। बाहर साइन बोर्ड पे पेरेंट्स लिखा है। मैं एक पेरेंट हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ये इतना ज्यादा हगती है कि समझ नहीं आता लड़की है कि ज्वालामुखी। बिल्कुल जैसे फवारा होता है ना वैसे एकदम वाप। मुझको मदद चाहिए। पता नहीं ये कैसे कर पाएगा। अगर तुम्हारी किस्मत में एक ही पेरेंट लिखा था तो काश वो तुम्हारी माँ होती, क्योंकि वो मुझसे काफी बेहतर होती और तुम्हारी मम्मी बेस्ट थी। सो जाओ प्लीज मैडी, मैडी सो जाओ, मैडी सो जाओ, सो जाओ प्लीज मैडी। नहीं सो रही है। कुछ नहीं हो रहा। तू इसे और डरा रहा है। हमें लगता है तुम्हें वापस मिनेसोटा आ जाना चाहिए। तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो। इसे परिवार चाहिए। बच्चे को बड़ा करना एक दिन भर और रात भर की ड्यूटी है। कैसा लग रहा हूँ मैं? सही तो लग रहा है। सिर्फ कहने के लिए मत बोल यार। तो बिल्कुल एक राजा की तरह दिख रहा है। शायद मैं ज्यादा बोल गया। उठो डैडी, ये क्या कर रहे हैं? ये एक नया, एक न्यू लुक है, नया हेयर स्टाइल है। इसे मौका देके देखो, ये ट्रेंड बन जाएगा। मिस्टर लॉगलिन, नकल करने के लिए उसके पास मान नहीं है। जी हाँ, मैं बखूबी जानता हूँ कि मेरी बच्ची के पास क्या है और क्या नहीं है। तुम्हें लगता है तुम ये कर लोगे, लेकिन नहीं। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मालूम है क्या, मैं ये करूंगा क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। बाप रे मैडी, ये तो शुक्र है कि मैं आज वक्त पर पहुंच गया। उसका हाथ थामने, लिज के साथ बात अलग थी, मैं उसका हाथ नहीं थाम पाया, तब तक वो जा चुकी थी। सबके पास ज्यादा लोग होते हैं, हम सिर्फ दो ही तो हैं। मैं वो करना चाहता हूँ जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चाहती हो। हम हर चीज को परफेक्ट रखने की कोशिश करते हैं, पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ तुम। पता नहीं आंखों में पानी क्यों आ गया है। आसपास कोई प्याज काट रहा है क्या? अरे कोई रोक दो इसे। उसे नाज होगा तुम पर। और ये दो केसेस, एक मम्मी की और ये मेरी। Hold on to me. डरना मत, आ जाओ मेरे साथ में रहना। क्यों मारा? ये ठीक है मैडी। हाँ